शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का एक बार फिर से विरोध शुरू हो गया है। आज हिंदू जागरण मंच जिला रामेश्वरम ने इंदौर में दशहरा मैदान से लगाकर सपना संगीता स्थित आईनॉक्स टॉकीज तक फिल्म बायकॉट के पोस्टर लगाकर कार रैली निकाली। चेतावनी दी है कि थिएटर ने यह फिल्म लगाई तो उसमें तोड़फोड़ की जवाबदारी संचालक की होगी। हिंदू जागरण मंच के साथ साथ दूसरे हिंदूवादी संगठन भी लगातार पठान फिल्म का विरोध कर रहे हैं। भाजपा भी इसको लेकर चेतावनी दे चुकी है। 23 जनवरी को रिलीज होने वाली फिल्म को लेकर सरकार के गृह मंत्री ने भी भगवा रंग वाले गीत को हटाने के लिए कहा है। न्यूज 18 के लिए इंदौर से अंकित परमार की रिपोर्ट।